या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। एक सवाल एक्सपायर डेट के मुतालिक है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो है ना वो टाइम ख़त्म हो गया, किसी भी चीज़ के एक्सपायर डेट हो गई, तो क्या उसको अब आगे यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, पहली चीज़। दूसरी ये कि उसको कम दाम में दुकान वाला बेच सकता है या नहीं बेच सकता। तो जिस सामान की एक्सपायरी डेट आ जाती है या करीब होती है, तो उसको बेचने के ताल्लुक से तो ये हुक्म है कि चीज़ कैसी है वो ये देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो है ना एक्सपायरी डेट ख़त्म होते ही वो ख़राब होने का उसमें ज़्यादा गुमान होता है। बाकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो एकदम ऐसा फिक्स नहीं होता कि उस तारीख को वो चीज़ ख़राब हो ही जानी है, वो एक अंदाज़ा होता है कंपनियों का कि ये इतने टाइम तक चलती है और उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, और वो अंदाजे से भी थोड़ा स्पेस लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ 4 महीने में भी ख़राब होनी है तो वो उसको 3.5 या 3 महीने ही उस पर डालते हैं, ताकि लोग एहतियात के तौर पर से 3-3.5 महीने के बाद यूज़ ना करें। तो एक्सपायरी डेट जो है उसके एक्सपायरी, मिसाल के तौर पर अगर आज की किसी चीज़ पे तारीख एक्सपायरी है या कल की तारीख एक्सपायरी है और आज वो चीज़ ऐसी है कि उसको अभी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको 1-2 दिन में कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। डिपेंड करता है कि चीज़ कैसी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में महक या उसकी स्वाद वगैरह बदलने से फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे दूध या दही की बनी हुई चीज़ें या कोई ऐसी चीज़ जिसकी एक्सपायरी डेट ही 7 दिन की, आप कोई इसको 10 दिन बाद यूज़ करें तो उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ें। और कुछ ऐसी हैं कि जिनका एक्सपायरी डेट 1 साल का है और अभी 1 साल से 2-4 दिन ऊपर हो गए, तो कहने को तो एक्सपायर डेट ऊपर चली गई लेकिन उसके ख़राब होने में कोई तब्दीली नहीं होती, टेस्ट वगैरह में कोई तब्दीली नहीं होती, और एक्सपायरी डेट क्योंकि अंदाज से होती है तो 2-4 दिन का गैप उसमें रहता है, तो अगर उसको टेस्ट में या कोई नुकसानदेह नहीं है तो उसको इस्तेमाल एक्सपायरी डेट के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन एक्सपायरी डेट के ज़्यादा ऊपर अगर प्रोडक्ट है, जैसे 1 साल का एक्सपायरी डेट था और वो साल हो गया, उसके ऊपर अब 1 महीना ऊपर चला गया, तो फिर उसको परहेज़ करने से बचना चाहिए, यानी 1-2 दिन तक ऊपर 1 साल वाली एक्सपायरी डेट इस्तेमाल हो सकती है। इसी तरह बेचने के ताल्लुक से, तो जो चीज़ बेची जा रही है वो ये देख ले कि कस्टमर उसको कितने दिन में ख़त्म कर लेगा। मतलब ये कि अगर कोई ऐसा पैकेट है 100-200 ग्राम का कोई प्रोडक्ट है कि जिसको 2-4 दिन में खा लिया जाएगा और उसकी एक्सपायरी डेट जो है ना 1 हफ़्ता बची हुई है और दुकानदार को मालूम है कि 1 हफ़्ते से पहले बंदे इसको ख़त्म कर लेंगे खा के, तो उसको बेच सकते हैं, उसमें कोई कराहत वाली बात नहीं और बताने की भी उसमें ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा है कि अगर एक्सपायरी डेट 1 या 2 दिन की बची हुई है, तब तो जो है ना वो कस्टमर को बताकर बेची जाएगी कि इसकी एक्सपायरी डेट 2 दिन बाद है, इसको 2 दिन के अंदर ही या तो ख़त्म कर लें या फिर 1-2 दिन ऊपर चला लें। मिसाल के तौर पे मान लीजिए सूखा दूध का डब्बा है जो बच्चे पीते हैं मेडिकल पे, और उसकी एक्सपायरी डेट जो है ना वो आज ख़त्म है और कोई क्लाइंट 1 हफ़्ता पहले कस्टमर उसको लेके जा रहा है, अब जाहिर है कि 1 हफ़्ते में उसको नहीं खा सकता, तो उसको बता दिया जाए कि इसकी एक्सपायरी डेट जो है ना 1 हफ़्ते की है, अगर आप इसको 10 दिन में 15 दिन में ख़त्म कर सकें तो ठीक है, तो उसको सामान को जो है ना वो बेचा जा सकता है। और अगर वो डब्बा जो है 1 हफ़्ते में 10 दिन में ख़त्म हो जाए, यानी एक्सपायरी डेट के 1-2 दिन अगर ऊपर भी हो जाए, तो उसमें कराहत वाली बात नहीं है, जबकि उसका जायका वगैरह तब्दील ना हुआ हो, तो इस एतबार से उसको जल्द ख़त्म किया जा सकता है। अगर चीज़ सही है तो ना फेंकें, और अगर दिल आपका गवाही नहीं देता या कोई दवाई है जिस पर एक्सपायरी डेट लिखी है, तो उसमें भी वही है कि अगर 1-2 दिन ऊपर हो जाएगी तो उसमें कोई ख़राबी पैदा नहीं होती, और अगर ज़्यादा दिन ऊपर हो गई है तो फिर उसको एहतियात के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वेबसाइट पर एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है लर्न फास्ट। जी हाँ, लर्न फास्ट, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इस ऑप्शन के जरिए आप इल्म-ए-दीन फास्ट वे में सीख सकते हैं। इस फीचर में ईमेल पर पूछे गए लोगों के सवाल जवाब को ऐड किया जाता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।